यह जो तस्वीर तुसी अपनी टीवी स्क्रीन ते देख रहे हो यह लुधियाना दियां ने जिथे यूथ कांग्रेस दियां चोणां दौरान माहौल उस समय खराब हो गया जदों एक पक्ष वल्लों दूजे पक्ष उत्ते जाली वोटां पाउण दे दोष मढ़े गए। जिस दे कारण माहौल इना तनावपूर्ण हो गया कि गोली चलन की भी खबर सामने आई। इस दौरान एक व्यक्ति जख्मी दसिया जा रहा है। उधर हालातों को काबू करने लिए पुलिस भी गुंडा करती ही करती नजर आई, जिस दे नतीजे वजो जो होया तुहाडे सामने है, देखो। पहला सुनो पहले धिर दा पक्ष, जिस वल्लों दूजी धिर दे नाल नाल पंजाब पुलिस ते भी गंभीर दोष लगाए गए। मेरे जिहड़े वोटां बनाई हुई ने यूथ दियां, मैं उह बोल रहा उन्नू इत्थों पुलिस रोक के वापस भेज रही। हुण सुनो दूजी धिर दा पक्ष। जदों बनाई हुई है हर घर दे बाहर कैमरा लगे, उन्हां दी फुटेज कढ़ा लो। जे मेरे कोई वैपन होवे या मेरे नाम ते वैपन दा लसेंस भी होवे, जाने जिहड़े बंदे ने फायरिंग कीती हुंदी फायरिंग करके भजदा हुंदा, उह खड़दा नहीं हुंदा। बस जी साढ़े को वोट है, साड़ी वोट पोल हो रही है, इन्हों को वोट नहीं है, नहीं हो रही है। जाली वोटा सर, जाली वोटा तो अंदर दसणगे ना, बाहर ये डिसाइड करने वाले कौन होंगे भी जाली है कि ठीक है। इन्होंने बंदे कॉल करके बुलाए हैं, जो दूजे पास्यों आए हैं उन्होंने आंदे सर फायर किए हैं, जो इन्होंने लड़ाई शुरू की है। जो हल्के के कांग्रेस इंचार्ज कवलजीत सिंह कड़वल नाल गल की गई तो देखो उन्होंने की कहना है। भरा दियाँ हो ही जाते हैं अक्सर, कई बार तकरार हो जाता गा, पर कुछ ऐसे शरारती अंसर होंगे जोड़े विरोधी पार्टियां के आके बच्चे कोई ना कोई इस गलू दो भरावान भरावान लड़ा के फायदा पाने की कोशिश करते। तो मैं समझता दो भरावान का अच्छे झगड़ा होया, उस तीजे बंद ने जिने गोली चलाई आ मैनू नहीं पता किने चलाई है, जिन्हें गोली चलाई आ वो जी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए आ। सो इलैक्शन है जी कंटिन्यू, क्योंकि साढ़े संविधान के मुताबिक जो है वह इलैक्शन रोकी नहीं जा सकती, इलैक्शन जी वोटा वो पै रही ने। जो तुम जिन्हें गोली दोष लगे ने गोली चलाते उन्होंने कार्रवाई करवाओगे? नहीं, वो तो साड़ी पार्टी का साड़ी सारी प्रशासन का साड़ी लीडरशिप का जिम्मेवारी बनती है, जिस बंदे ने यह काम किया। सो देखो मैं गल दसा, लॉ एंड आर्डर मेनटेन करने लई ते पुलिस नूं कई बार आपके पुत ते भी कदे डांग चलाउणी पै जांदी हुंदी आ। सो इह गल नहीं हुंदी आ कि किते लॉ एंड आर्डर मेनटेन करन लई पुलिस नूं कोई सख्ती करनी पई आ, मैं इहनूं कोई गलत नहीं समझदा। डीसीपी अश्विनी कपूर ने दावा कीता है कि माहौल पूरी तरह शांत है ते चोणां हो रहीआं ने। जी कि दो जिवें कांग्रेस दे यूथ दे ऑर्गेनाइजेशनल इलैक्शन हैगे अज, तो इह च नैचुरली हुंदा दो ग्रुप्स तां हुंदे ही आ, दो कैंडीडेट्स हैगे आ, तो उहनां दे सपोर्टर आपस च पोलिंग बूथ तों 200 मीटर ते जिथे इहनां दे स्टॉ लगे हुए है, टेंट लगे हुए है सपोर्टर्स दे, उत्थे आके इन्हां दी आपस च कोई तलखीबाजी हुई है। तलखीबाजी च जदों फोर्स ने आके इन्हां नूं भजाया तां उदों अलैज्ड टू बी जिहड़ा कि हजे वेरीफाई नहीं होया कि कोई दो तीन शॉट्स फायर होए है, लेकिन वो वेरीफिकेशन अजे तक कितें भी जिहड़ा साडा वीडियोग्राफर भी है ऑफिशियल उहदे ते भी देखा गया कोई वेरीफिकेशन। देखो जी देखो अगर देसी कट्टा हैगा तो उहदा खोल जे तीन फायर हुंदे है तो देसी कट्टे जे एक ही चले जांदा जी। चकदे टीवी नाल जुड़े रहने लई साडा चैनल सबसक्राइब करो, वीडियो सब तो पहला देखने लई बैल आइकन ते क्लिक करना ना भुल्यो।